आप देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी ने इस पर एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने का सुझाव दिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये एक ऐसा विषय है जो हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में कोर्ट संख्या 2 में आला सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से कोर्ट रूम में काफी नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड और हाईकोर्ट में तैनात कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। आग की सूचना के बाद गुड़ी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल कोर्ट रूम को सील किया गया है और उसकी जांच की जा रही है कि कोर्ट रूम में यह आग आखिर कैसे लगी। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। राजस्थान के एक दिन के दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने जयपुर में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान के 18वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर अपने संबोधन में महिलाओं के योगदान की विशेष रूप से चर्चा की। राष्ट्रपति ने कहा कि आज जो मैंने 20 स्वर्ण पदक दिए, उनमें से 12 पदक हमारी बेटियों ने प्राप्त किए। बुधवार को सचिवालय में 17 नए जिलों को लेकर मंत्री मदन दिलावर के संयोजन में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक में क्षेत्र अधिकारी, भौगोलिक स्थिति, आबादी सहित अलग अलग अधिकार आधारों को लेकर नए सिरे से मंथन हुआ। यह मीटिंग पूर्व IAS अधिकारी ललित के पवार की कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हुई थी। मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जब तक फैसले को अंतिम रूप नहीं दे देते, बैठक होती रहेगी। बुधवार को प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने मीटिंग की। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही टिकट के दावेदार नेताओं से भी फीडबैक लिया गया। मीटिंग के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी 7 सीटों को हम लोग जीत रहे हैं और किस पार्टी से गठबंधन होगा इसका फैसला आलाकमान करेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाए जाने के बाद भी राजस्थान के भाजपा विधायक ने अपराधियों को नसीहत दी है। विधायक बालमुकुंद आचार्य बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम तहे दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पर होने वाली कार्रवाई को इस दायरे से बाहर रखा है। बालमुकुंद आचार्य आगे बोले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपराधियों को ये नहीं समझना चाहिए कि अब वो बच जाएंगे। अवैध निर्माण के खिलाफ पूर्व में भी नियमानुसार कार्रवाई होती रही थी और आगे भी जारी रहेगी। राजस्थान कांग्रेस के नेता शांति धारीवाल ने एक बार फिर अपना उस बयान को दोहराया, जिसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरा था। कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त किरकिरी भी हुई थी। दरअसल अलवर में पार्टी के विधायक जुबैर खान को श्रद्धांजलि देने आए शांति धारीवाल ने एक बार फिर कहा कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। आज भी इस बात को वो कहते हैं, ये बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए हैं, इसमें क्या गलत कह दिया, बीजेपी वाले उनके मुंह से क्या सुनना चाहते हैं। शांति धारीवाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा अगला अलग विषय है। पिछले 8 महीने में सबने देख लिया कि इस सरकार में महिला कितनी सुरक्षित है। हरियाणा के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने ममता सरकार को चिट्ठी लिखी है। पत्र में डॉक्टरों ने सरकार से मांग को लेकर नए सिरे से बातचीत करने की मांग रखी है। भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजा है। इसमें तर्क दिया गया है कि परिस्थितियों में मौलिक और अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण संधि का रिवॉल्यूशन जरूरी है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू हूँ। शुक्रिया।